गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज द एरिया ऑफ पाथ। पाथ मीन्स हम जनरली वॉकिंग रोड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जनरली जब हम सपोज है गार्डन के चारों ओर चलते हैं तो हमें कुछ वॉकिंग पाथ्स मिलता है, तो उस कंडीशंस में हमें कैसे द एरिया ऑफ पाथ कैलकुलेशंस करना है, या कुछ फील्ड है उसके चारों ओर कुछ रोड बनवाना है, कितना स्क्वायर मीटर वो कवर करेगा, वो सब पता करने के लिए हमें इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है द एरिया ऑफ पाथ्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स वाइज करवा देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, ए प्लॉट, ठीक है, क्वेश्चन है ए प्लॉट 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। एक प्लॉट है जिसका लंबाई कितना है 60 मीटर एंड चौड़ाई कितना है 40 मीटर, ठीक है। देन ए पाथ 3 मीटर वाइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द प्लॉट। प्लॉट के चारों ओर हमें एक रोड बनवाना है जिसका चौड़ाई कितना है 3 मीटर चौड़ाई का हमें प्लॉट बनवाना है, ठीक है। देन व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें एरिया कैलकुलेशन करना है किसका, ऑफ द पाथ। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझेंगे। पहले एक प्लॉट है, इसका डायमेंशन क्या दे रखा है 60 मीटर लॉन्ग है एंड 40 मीटर वाइड, 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर, ठीक है। एक पाथ में एक रास्ता बना हुआ है जिसका चौड़ाई कितना है 3 मीटर, ठीक है। वाइड टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द प्लॉट, इस प्लॉट के चारों ओर हमें बनाना है। पीछे पीछे क्वेश्चंस में हमें ये एक्सेप्शन मिलेगा कि जो रोड बना है या जो पाथ बना है टूवर्ड्स द इनर साइड, अंदर की तरफ बना है, लेकिन इस क्वेश्चन में बना है टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड, प्लॉट की चारों ओर बनाना है, समझ में आया। तो कुछ यहाँ पे जो है ये प्लॉट की चारों ओर है टुवर्ड्स द आउटसाइड, और एक क्वेश्चन लेकर हम सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे टुवर्ड्स द इनर साइड कैसे कैलकुलेशन करवाया जाए। तो इस क्वेश्चन में हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, मीन्स ओनली पाथ, या जो वॉकिंग पाथ था, वॉक पाथ था, चलने वाला रास्ता था, उसी का हमें एरिया कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, लेट नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये हो गया आपका ई एफ एंड जी एंड एच, ठीक है। तो ये हो गया क्या है, हियर ए बी सी डी इज ए प्लॉट, ए बी सी डी इज ए प्लॉट हो गया, मीन्स इनर ए बी सी डी इज ए प्लॉट। डायमेंशन कितना है, लेंथ हो गया आपका 60 मीटर एंड ब्रेथ हो गया 40 मीटर, हेंस द एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लॉट, दैट इज ए रेक्टेंगल, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 60 इंटू 40 मीटर स्क्वायर, 2400 मीटर स्क्वायर इज द एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लॉट। इसके बाद कह रहा है कि प्लॉट की चारों ओर हमें बोथ साइड्स में, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट चारों ओर अराउंड द प्लॉट हमें एक रास्ता बनाया है जिसका चौड़ाई कितना है 3 मीटर, ठीक है। देन हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द एरिया ऑफ आउटर, एरिया ऑफ ई एफ जी एच रेक्टेंगल। ई एफ जी एच रेक्टेंगल मीन्स यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं अलोंग विद द रोड, रोड के साथ, क्योंकि ये हमारे इनर रेक्टेंगल है,
ये कुछ रोड्स है, कुछ पार्क बना हुआ है, देन हमारे आउटर रेक्टेंगल बना है। तो सेकंड जो हमारे जो आउटर रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे ना कि अलोंग द रोड मीन्स रोड के साथ मिला के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, हमारे पहला लेंथ कितना था, हमारे डायमेंशन वाइज प्लॉट के जो लेंथ कितना था 60 था, तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ 60 था, टू बोथ साइड्स में हमारे 3-3 मीटर की चौड़ाई है, बोथ टूवर्ड्स आउटसाइड बना है। इसी में आपका क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाएगा, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे ना, जिसमें हम देखेंगे रोड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू द इनर साइड ऑफ रोड, वहाँ पे क्या डिफरेंस है, और ये जो है ये टूवर्ड्स द आउटर साइड है, इसमें जो डिफरेंस है अभी वो डिफरेंस बता देता है, ठीक है। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, 60 प्लस, क्योंकि इनर डायमेंशन 60 है, बोथ साइड्स बना है टूवर्ड्स द आउटर साइड, इसलिए 2 × 3, ठीक है, प्लस एडिशन करना है। जब हमारी इनर साइड बने ना, देन इस कंडीशन में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से लेकर इसको सॉल्व करेंगे, इस बार इंटू ब्रेथ हो गया, ब्रेथ हमारी 40 था, तो बोथ साइड से 3-3 मीटर का, तो जो न्यू ब्रेथ बनेगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, क्यों हुआ ना, दोनों साइड्स में 3-3 और लेंथ में दोनों साइड्स में 3-3, तो 60 × 2 = 6, 40 × 2 = 6, ठीक है। तो हो जाएगा 60 + 6 = 66, लेंथ इंटू ब्रेथ है 40 × 6 = 46, ठीक है। जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करना है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 66 × 46 = 6 × 39 6 × 24 4 2 6 × 24 2 26 6 3036 मीटर स्क्वायर। ये जो हमारी कैलकुलेशन किया, हमने कैलकुलेशन किया द एरिया ऑफ ई एफ जी एच रेक्टेंगल, ठीक है, ये 3036 मीटर स्क्वायर, इट इज द एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ये हो गया एरिया ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल, इट इज द एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। देन हमें फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना हो गया, 3036 मीटर स्क्वायर माइनस ये हो गया 2400 मीटर स्क्वायर, 366 देन हो गया 2 − 0 = 636 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे पाथ, तो उसी प्रोसेस में किया जाएगा। ये एक एग्जांपल था जिसमें हमने एरिया कैलकुलेशन किया अपनी पाथ, जिसमें रोड बना है टू आउट द या आउटर साइड या अराउंड द रोड, ठीक है। और एक एग्जांपल्स लेंगे जिसमें रोड बनाया जाएगा या जो पाथ जो भी बनेगा वो तुम्हारा टू आउट द इनर साइड। तो डिफरेंस कहाँ पे हो जाएगा, जब हम न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पे हमें एडिशन के बदले हमें वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सेकेंड एक एग्जाम्पल्स, लेते हैं क्वेश्चन, फिर जी क्वेश्चन टेन,
200 meters में। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ना, हमें रोड बनाना है टुवर्ड्स द इनर साइड, ठीक है। रोड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू द इनर साइड, ठीक है। अच्छा तो दैट मींस इनर साइड मींस हमें इनर प्लॉट का हमें लिया इज के एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लेंथ कितना हो जाएगा आपका टुवर्ड द इनर साइड बना हुआ है, हमारे बाहर का लेंथ कितना था 20, इनर साइड बना हुआ है, मैंने कहा डिफरेंस इसी में आ जाएगा। जब आउटर साइड बनाएंगे तो प्लस करना है, जब इनर साइड बनाया जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस टू इंटू बोथ साइड में बनाए तो न्यू लेंथ आपका का हो जाएगा 16। उसी तरह से न्यू ब्रेथ हो जाएगा आपका, वो भी बोथ साइड से माइनस होगा, तो 10 माइनस 10 था ब्रेथ, बोथ साइड को इनर साइड बनाए 2 इंटू 2 दैट इज 10 माइनस 4 इट इज 6 मीटर, ठीक है। तो हमारा इनर लेंथ इनर ब्रेथ हमने कैलकुलेशन कर दिया तो हो जाएगा एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 16 इनटू 6 इट इज 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हेंस द एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है ना। दैट इज 200 माइनस 96 इट इज 104 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से जब हमारे पास प्लॉटिंग आ जाए, प्लॉटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा इसको करने के लिए, लेकिन इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये कुछ आपका क्रॉस सेक्शंस वाला रोड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, पैरेलल रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा। बाकी ये दोनों रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कर लीजिएगा, और इसमें जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत टफ एक्सरसाइज है, तो इसको हम दोबारा कल और एक बार करवाएंगे। लेकिन ये जो दो क्वेश्चन मैंने करवाए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा लीजिएगा, कैसे आउटसाइड टू द रोड जब कंस्ट्रक्ट करवाया जाते हैं तब कैसे कैलकुलेट करना है। डिफरेंस बस इतना ही है, लेंथ ब्रेथ जो न्यू लेंथ और ब्रेथ हम कैलकुलेट करेंगे उसी में ही सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होगा। एरिया ऑफ द पाथ ऑलवेज एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल और स्क्वायर या जो भी आपका फिगर दे रखा होगा, बस इतना ही करना है। अगर रोड हमारे टुवर्ड्स द आउटर साइड बना है तो जो न्यू लेंथ हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें प्लस 2 इंटू जितना चौड़ाई का वो होगा, लेकिन अगर हमारी रोड बनेगा टुवर्ड्स द इनर साइड देन हमें उसमें क्या करना है, लेंथ माइनस या ब्रेथ माइनस 2 इंटू जितना चौड़ाई की रास्ता या पार्क जो भी बनेगा उसको लेके कैलकुलेट करना है, समझ में आया। तो यही दो बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब आपका इक्वल रहेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या कुछ आपका एक्सरसाइज एग्जांपल्स में मिलेगा उसको कोशिश कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा उसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। द सेंट्रल हॉल ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल का हॉल जो लंबाई है इट इज 18 मीटर एंड चौड़ाई 12.5 मीटर, उसमें कारपेट को बिछाया गया है, मीन्स इसका डायग्राम में बताया कि ये एक स्कूल का हॉल है। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम लंबाई कितना है 18 मीटर एंड चौड़ाई है 12.5 मीटर, ठीक है। एक कारपेट इज टू बी लेड, कारपेट बिछाया गया है, ठीक है ना। लीविंग द स्ट्रिप कितना छोड़ दिया गया है 50 सेंटीमीटर में छोड़ दिया गया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसमें बेसिक डिफरेंस ये देखो मीटर मीटर में था या हमारे सेंटीमीटर में आ गया, तो पहला काम है हम दोनों को मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सपोज आप इसको मीटर में करेंगे देन हो जाएगा 50/100, ठीक है ना, 1.5 मीटर हो जाएगा ये। और दोनों साइड में बनेगा तो न्यू लेंथ कितना बन जाएगा, इनर साइड बना हुआ है तो 2 × 2.5 दैट इज 18 माइनस 2 × 2.5 में 1.0 17 आ जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम ब्रेथ का भी कैलकुलेशन करके देन द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट, कारपेट का एरिया निकल जाएगा। जैसे हम न्यू लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करके द एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा। देन द सेकंड रिक्वायरमेंट है ऑल्सो फाइंड द अनकवर्ड पोर्शन, द एरिया ऑफ अनकवर्ड पोर्शन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ हॉल माइनस द एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कल हम देखेंगे जो क्रॉस सेक्शन ऑफ पैरेलल रोड्स उसका कैलकुलेशन, बाकी जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा। थैंक यू।